हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से है। इसमें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान क्या सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। तो देखिए, हमें इसकी ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी करंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 2023 होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 17 अक्टूबर 2023 रखी गई है। ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट हो जाएगी। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो यहाँ मोर पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई कर लेना होगा। नोटिफिकेशन आपकी हिंदी लैंग्वेज में ओपन हो जाएगी जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फॉर इंजीनियर्स ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर द ईयर ऑफ 2023 एंड 2024। देखिए, अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस फ्रॉम कैंडिडेट्स हु हैव डिग्री या फिर डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट कमिंग अंडर किसके, मतलब किस स्टेट से आपका होना चाहिए डिग्री या फिर डिप्लोमा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर गोवा या फिर छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश या फिर दादर नगर हवेली या फिर दीव एंड दमन जो कि यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं, राजस्थान। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आपने आईटीआई करके रखा है एनटीसी या फिर एसटीसी से ग्रेजुएट स्टेट से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो भी ये समस्त स्टेट से बिलोंग करते हैं, वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में यहाँ पे पोस्ट नहीं बताई गई है, कितनी रिक्रूटमेंट रखी गई, यहाँ पर केवल ब्रांच और इसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है। देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए बी बीटेक या फिर बी आर्किटेक्चर अथवा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव फील्ड विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मान होना चाहिए एवरेज ऑफ आल सेमेस्टर का, एंड और सीजीपी आपका 6.84 ऑन अ 10-point स्केल एज डिक्लेयर्ड बाई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से। ये नॉन टेक्निकल की इसमें भी देख लीजिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड से 60% मार्क और सीजीपीए में 6.32 ऑन अ 10-point। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में कौन से ब्रांच एलिजिबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। यदि आपने डिप्लोमा करके रखा है फर्स्ट क्लास का, अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो कि आईटी वालों के लिए होती है, तो इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हो जाएंगे, कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कारपेंटर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, लैब अटेंडेंट, केमिकल प्लांट अटेंडेंट, प्लांट केमिकल प्लांट अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड रेडियो टीवी और इलेक्ट्रीशियन वाले, एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th एंड आईटीआई एनटीसी या फिर एसटीसी से किया हो आपने। देख लेते हैं एज क्या होने वाली और आपकी सैलरी क्या होगी। पोस्ट कोड 1 से लेकर 10 तक में आपके 18 से 28 साल को उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। 17 अक्टूबर 2023 से एज काउंट की जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ 11 से लेकर 27 तक मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है, ये भी आपकी 17 अक्टूबर 2023 से काउंट की जाएगी। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी रखा गया है, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। स्टाइपेंड देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों को 9000 पर महीना मिलेगा, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप जो कि डिप्लोमा वालों के लिए उनके लिए 8000 पर मंथ मिलेगा, और ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो आपकी 16 और 17 पोस्ट है उसमें 7700 मिलेगा, और जो पोस्ट कोड 18 से लेकर 27 है उसमें 8050 रुपये मिलेगा। यानी कि 16-17 जो आपकी एक साल की आईटी होती है, कोपा और कारपेंटर, इसमें आपको कम सैलरी मिलेगी। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर एंड अप्रेंटिस इंगेज विल बी रजिस्टर्ड एंड अप्रेंटिस एक्ट 1961। देखिए, दोज हु हैव अंडरगोन आर अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या फिर हैव जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या मोर एज ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यानी कि जो भी एक साल का आप एक्सपीरियंस लिया या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस लिया या आपने अप्रेंटिसशिप करके रखा है एक साल का, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, जो भी डिप्लोमा डिग्री आईटी करके रखा है, डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट विल बी कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, यानी कि उसी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आफ्टर एक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन लाइक डिग्री डिप्लोमा आईटीआई आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि जो भी कैंडिडेट आईटीआई डिप्लोमा डिग्री के बाद 3 साल का गैप है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव पास डिग्री डिप्लोमा आईटीआई इन रिलेवेंट फील्ड इन आफ्टर नवंबर 2020, यानी कि नवंबर 2020 के बाद अगर आपने किया है, आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी नवंबर या फिर दिसंबर 2023 होने वाली है। कोई भी आपकी क्वेरी है, जनरल क्वेरी के लिए ये नंबर डायल कर सकते हैं, टेक्निकल क्वेरी के लिए ये नंबर, और समय आपका दिया है 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अप्लाई कर देना है। एक बार इंपॉर्टेंट डेट और बता देते हैं, ओपनिंग डेट 27 सितंबर 2023 से 9:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 17 अक्टूबर 2023 शाम के 5 बजे तक हो जाएगा। सो गाइस, यही एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।